छुआछाप डॉक्टरों के अस्पतालों में पड़ा छापा, दवाइयां जब्त कर की सीज की कार्यवाही। दमोह कलेक्टर तरुण राठी एवं दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देशन में कोरोना महामारी के चलते कई जगह तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार दोपहर को जिला पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के झोलाछाप डॉक्टरों की अस्पतालों में पहुंचकर कार्यवाही करते हुए बिना डिग्री और दस्तावेज न मिलने पर मरीजों को तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर बॉटल इंजेक्शन और दवाइयां जब्त कर अस्पतालों को सीज करने की कार्रवाई देखी गई। कोरोना महामारी में अस्पतालों में तरीके से झोलाछाप डॉक्टर इलाज करते हुए पाए जाने पर एसडीएम दमोह राकेश मरकाम, सीएसपी अभिषेक तिवारी, शहरीकरण आवास अधिकारी कपिल खरे, स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगरपालिका का मामला भी मौजूद रहा। एसडीएम दमोह राकेश मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया, शहर के अस्पतालों में फर्जी तरीके से अस्पताल में मरीजों का झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा था, दवाइयां जब्त कर अस्पतालों में ताले डालकर सीज की कार्रवाई की गई है। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के अभी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।